हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और इथर का। ठीक है, जो अल्कोहल, फिनॉल और इथर है, इस वीडियो में हम इसका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, मीन्स नेम लिखना, इसका नेम कैसे लिखा जाता है यही सीखेंगे। ठीक है, देखिए हम दो सिस्टम जानते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसका दो नेम होता है, एक क्या होता है कॉमन नेम होता है, एक आइपेक नेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, पहले किसका देखेंगे हम, अल्कोहल का देखेंगे। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है, स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, पहले ये देखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि अल्कोहल, ठीक है, द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्किल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट। फॉर एग्जाम्पल CH3OH इज मेथिल अल्कोहल। देखिए जो कॉमन नेम होता है ये कहाँ से ड्राइव्ड होता है, ये क्या होता है एल्किल ग्रुप, मीन्स जो अल्कोहल का ये क्या होगा कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा एल्किल प्लस, इसी में देखिए क्या जोड़ देते हैं अल्कोहल जोड़ देते हैं, एल्किल प्लस अल्कोहल। ठीक है, यही क्या हो जाएगा अल्कोहल का कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बुक में दिया गया है, एग्जांपल CH3OH ये दिया गया है, देखिए क्या है मेथिल है, ठीक है, और अल्कोहल का ग्रुप ऐड है तो क्या नाम हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल इसी में क्या जोड़ देंगे अल्कोहल जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए, तो कॉमन नेम में देखिए कैसे पढ़ेंगे, ये केवल एल्किल प्लस अल्कोहल, एल्किल ग्रुप रहेगा उसी में हम अल्कोहल जोड़ देंगे, इसका क्या हो जाएगा ये कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं, देखिए यहां पे देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू आईपेक सिस्टम, ठीक है, यूनिट 12 क्लास से, देखिए 11th में हमने पढ़ चुका था, द नेम ऑफ एन अल्कोहल, द नेम ऑफ एन अल्कोहल इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द अल्केन फ्रॉम विच द अल्कोहल इज ड्राइव बाय सब्स्टिट्यूटिंग ई ऑफ अल्केन विथ द सफिक्स ओ एल। ठीक है, द पोजिशन देखिए यहाँ पे जो कैसे आईपेक सिस्टम में देखिए क्या लिखा जाता है, आईपेक सिस्टम में यहाँ पे तो ये समझ गए कॉमन नेम इसका आईपेक, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में क्या होता है जो एल्केन रहता है, एल्केन है इसी के देखिए जो ई रहती है, ई को हम निकाल करके क्या जोड़ देते हैं ओएल, क्या जोड़ देते हैं ओएल जोड़ देते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा एल्केनॉल, देखिए ए एल के ए एन ओ एल, एल्केनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करिए यही इसी का एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा CH3OH, तो ये देखिए क्या है मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है मेथेन, ई हटा करके हम उसमें क्या जोड़ देंगे ओ एल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा मेथेन एम ई टी एच ए एन ई, ई को हटा करके हम क्या जोड़ देंगे ओ एल जोड़ देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए पढ़ते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, आगे देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय न्यूमरल्स। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजिशन रहती है उसको न्यूमरल के द्वारा यहाँ पे ये इंडिकेट करेंगे, फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। देखिए यही कह रहा है कि जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस साइड से क्या रहेगा वो, एग्जाम्पल ये देखिए हाइड्रो, सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये दिया गया कोई, ठीक है, यहाँ पे कह दिया जा रहा है OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से इस कार्बन पे लोवेस्ट पोजीशन आए, तो सपोज करिए हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर फोर्थ नंबर पे आ रहा है, लेकिन हम इधर से कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन 2 नंबर पे आ रही है, तो हम हमेशा किधर क्या चूज करेंगे लोवेस्ट ये पोजीशन को हम चूज करेंगे। ठीक है, यही देखिए यहाँ पे भी कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है, हाँ
देखिए यहाँ पे द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एंड द अदर सब्सटिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच दीज आर अटैच्ड। ठीक है, इसको देखिए नंबरिंग करेंगे, अभी इसको बता रहे हैं। देखिए फार नेमिंग यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फार नेमिंग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल द ई ऑफ एल्केन इज रिटेंड। ठीक है, एट द एंडिंग ओ एल इज एडेड, द नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप इज इंडिकेटेड बाई एडिंग द मल्टीप्लीकेटिव प्रीफिक्स डाई ट्राई एटसेट्रा बिफोर ओ एल। ओ एल से पहले हम क्या लिखेंगे, डाई ट्राई ये लिखेंगे। ठीक है, द पोजिशंस ऑफ क्या कह रहा है, द पोजिशंस ऑफ ओ एच ग्रुप आर इंडिकेटेड बाई अप्रोप्रिएट लोकेशंस। देखिए यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल दिया गया है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए देखिए इसके बाद मैं ये बता दूं, ये इतना पॉलीहाइड्रिक का देखिए बता रहे हैं। देखिए ये तो आपका क्या था, सिंपल था अल्कोहल का। सपोज करिए अगर केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम ई को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, फॉर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, किसके लिए, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स जिसमें क्या हो, दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या कहेंगे, व्हेन कह सकते हैं टू आर मोर देन ओ एच ग्रुप इज प्रेजेंट। पॉलीहाइड्रिक में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा ओ एच ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, देखिए IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, जो एल्केन रहता है, एल्केन रहता है ना, अब इसका जो ई रहेगा, ई को हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जो ई रहता है ई नहीं हटता। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ओएल को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दो ओएल को यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, दो OH ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। एक मिनट, दो OL नहीं ठीक रहेगा। ठीक है, केवल यहाँ पे OL लिखेंगे, लेकिन अगर दो OH कर रहे हैं उसके लिए डाई ट्राई ये लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सपोज करिए ये है, इस पे भी OH ग्रुप अटैच्ड है, इस पे भी देखिए OH ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या हो गई, ये निकल गई, और क्या हो रहा है, दो OH ग्रुप क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। ठीक है, दो हाइड्रोजन निकली, दो यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हुआ, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे ये तो आपका सेम ही रहेगा, जो ई है ये नहीं हटाना है, अल्केन ही रहेगा, अल्केन हो जाएगा। आप नंबरिंग करेंगे 1, 2, दोनों नंबर पे क्या है आपका OH ग्रुप है, तो क्या करेंगे, हाइफन लगाएंगे, 1, 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई ओ एल। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर दो यहाँ पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसी के यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। तो यहाँ पे केवल आपको इतना ही देखना है, ध्यान रखना है कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में जो एल्केन का ई रहता है वो नहीं हटता, और अगर केवल यहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसका जो ई रहता है उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में OL जोड़ देंगे, लेकिन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ये जो ई रहता है ये रिप्लेस नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथ एथ, तो इथेन हो जाएगा, पूरा लिखेंगे ETHANE, ई देखिए रहेगा इथेन, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाई ऑल, इथेन 1, 2 डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, सेम ही ऐसे ही अगर मैं कह दूं, ये है एक कार्बन, दो कार्बन है, ये तीन कार्बन है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है। अब देखिए क्या है, तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका देखिए क्या नाम होगा, इसका नाम देखिए नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, इधर से भी कर सकते हैं। तो तीन कार्बन है, और इस पे देखिए क्या, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा क्या है, प्रेजेंट OH ग्रुप है, मीन्स क्या है, ये पॉलीहाइड्रिक है। तो पॉलीहाइड्रिक में आईपेक नेम में क्या करते हैं, जो ई रहता है वो रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ई नहीं हटाएंगे। ठीक है, फिर हाइफन देंगे, 1, 2, ये 3 क्या हो जाएगा, ट्राई,
ट्राई ऑल, समझ रहे हैं? ट्राई ऑल क्यों किए? क्योंकि तीन है, ये 1 2 3 तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? ट्राई ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो एक आप लोग अपने से करिएगा। देखिए, अगर मैं कह दूं यहाँ पे चार कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सब पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा। और हाइड्रोजन आप लोग लगा लेंगे, चार कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, टेट्रा ऑल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये मतलब कि जो अल्कोहल का कॉमन नेम था और आइपेक नेम था, ये समझ गए। अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिए इसको मैं बता दे रहा हूं। अच्छा हाँ, देखिए इसका देखिए कॉमन नेम और आइपेक नेम भी दे दिया गया है, मीन्स ये तो आपका आइपेक नेम हो जाएगा। इसका देखिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगा। इसका जो कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। और इसका देखिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है, क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा ग्लिसरॉल, और इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे कॉमन नेम दिए गए और आइपेक नेम दिए गए, दोनों को बता रहे हैं। ठीक है, इसको पहले इरेज कर दें। चलिए देखिए, ये तीन कंपाउंड यहाँ पे दे दिया। अब इसका देखिए कॉमन नेम राइट करना है और क्या करना है, आइपेक नेम राइट करना है। ठीक है, पहले तो कॉमन नेम देखिए हम राइट करते हैं, फिर क्या करेंगे, आइपेक नेम राइट करेंगे। अब देखिए नंबरिंग इधर से इसमें किस साइड से करेंगे, देखिए 1 2 जो OH की पोजीशन है ये हमको लीस्ट लेना, मतलब कि कम नंबर पे आए ये नंबरिंग करते समय। अगर इधर से करेंगे 1 2 पे आएगी, इधर से करेंगे 1 2 3 पे आएगी, तो इधर से नहीं लेंगे हम, इधर से लेंगे। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आइपेक नेम हो जाएगा। देखिए क्या नेम हो जाएगा, यहाँ पे मेथ है, यहाँ पे देखिए चार कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, BUTAN, ई रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ब्यूटेन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो OL हो जाएगा, यही होगा ना। देखिए IUPAC का रूल तो आप सब कुछ ये तो पढ़ ही चुके हैं, IUPAC का रूल क्या होता है, पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स है, प्लस क्या लिखते हैं, वर्ड रूट है, प्लस क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स, देखिए ये सब क्लास 11th में बताया गया था, और फिर ये क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रीफिक्स में कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ठीक है, वर्ड रूट में जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जैसे एक कार्बन मेथ है, ब्रोप, ये हो गया। प्राइमरी में क्या देखते हैं, बॉन्ड देखते हैं, एन है, इन है या आयन है। सेकेंडरी सफिक्स में यही फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, तो OH के लिए फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, OL होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका देखिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये तो IUPAC नाम हो गया, अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये क्या आईपेक नाम हो गया, ये कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम देखिए क्या है, ये क्या है, 2 डिग्री पे OH ग्रुप जुड़ा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री पे देखिए जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, सेक, सेक मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अब देखिए इसमें हम क्या लिखते थे कॉमन नेम में, एल्किल अल्कोहल लिखते हैं ना, तो सेक ये कितना हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, सेक ब्यूटिल, ब्यूटिल अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, ये सेक ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा, मीन सेकेंड डिग्री क्या है, ये ब्यूटिल अल्कोहल है। अब इसको देखिए, तो OH ग्रुप यहाँ पे नंबरिंग भी हम इस साइड से करेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब ये देखिए क्या आ गया हमारा, 2 नंबर पे आ गया प्रीफिक्स, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर पे हमारा प्रीफिक्स है, क्या नाम है इसका, मेथिल है, 2-methyl। ठीक है, 2-methyl कितने का, यहाँ पे 3, ये मेन हमारा ये मिला 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रॉप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2-methyl प्रॉप है। अब देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन ई रिप्लेस कर देगा, ये OH केवल एक है, अगर 2 होता तो नहीं रिप्लेस होता। ठीक है, प्रोपेन क्या हो जाएगा, 1 और लिखे, या फिर क्या लिख दीजिए, प्रोपेनॉल ये लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम ये जो मेथिल ग्रुप है, ये लास्ट सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है, लास्ट सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा,
इसको देखिए हम आईसो पढ़ते हैं, तो जब जो पीसीबी कंपाउंड में लास्ट सेकेंड कार्बन पे मेथिल ग्रुप ये अटैच रहता है तो उसको क्या कहते हैं, आईसो पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, लास्ट सेकेंड कार्बन पे जुड़ा है तो आइसो ब्यूटिल कहेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, नंबरिंग कर लीजिए, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी 1 2 3, यही हो गया। दो नंबर पे हमारा ओएस भी है, दो नंबर पे मेथिल भी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, कितने कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेन, प्रोपेन क्या हो जाएगा, 2 ऑल हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सा कार्बन है, मीन जो ओएस ग्रुप है ये 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, टर्ट, क्या लिखते थे, टर्ट ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, यही होगा ना, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए, चलिए ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए और बीच दिया गया है साइक्लिक एल्कोहल का नियम कैसे लिखते हैं, केवल देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड रूट है इसी के पहले हम क्या जोड़ देंगे, साइक्लो जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबो चलिए देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है साइक्लिक एल्कोहल का, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक एल्कोहल में देखिए पहले क्या रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा प्लस, देखिए क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे साइक्लो यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, साइक्लो प्लस, देखिए क्या हो जाएगा आपका, वर्ड रूट हो जाएगा, वर्ड रूट प्लस क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स हो ही जाएगी, ठीक है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये एक कंपाउंड देखिए दिया गया है साइक्लिक में, यहाँ पे क्या दे दिया गया, ओ एच दे दिया गया, ठीक है, ओ एच जोड़ दिया गया है, तो देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स तो है नहीं, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो क्या नेम हो जाएगा, साइक्लो, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सेन, हेक्सेन लिखे, देखिए एच एक्स एन ई, ई रिप्लेस हो जाएगा, ई की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 ऑल, हेक्सेन 1 ऑल, या फिर ये 1 लिख भी नहीं सकते, या ये भी लिख सकते ओ एल, हेक्सेन ऑल लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर मैं कह दूं यहाँ पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, तो सपोज कर लीजिए ये ओ एच है, यहाँ पे मैं लगा दिया सी एच थ्री, देखिए बुक में भी दिया गया है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो नंबर पे देखिए मेथिल है, तो पहले प्रीफिक्स हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, फिर आएगा आपका साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो, फिर देखिए हेक्स हो जाएगा, एन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हेक्से नॉल हो जाएगा, तो यही था, ठीक है, सिंपल है। बस आपको ध्यान देना है किस में, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में जो एल्केन का ई रहता है वो रिप्लेस नहीं होता है, किसमें, आईयूपीएसी सिस्टम में। अब चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नॉमनक्लेचर ऑफ फिनॉल का, ठीक है, किसका, नॉमनक्लेचर ऑफ फिनॉल, देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं फिनॉल। देखिए फिनॉल का है, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल, देखिए सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या है, ये बेंजीन का, ये फिनॉल ही है, ठीक है। इट इज इट्स कॉमन नेम एंड आल्सो एक्सेप्ट आईयूपीएसी नेम, देखिए जो फिनॉल है इसका कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी भी नेम है, ठीक है। देखिए एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व ए बेंजीन रिंग इन इट सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड द टर्म ऑर्थो, ठीक है, मेटा, देखिए पैरा और ऑफन, ये सब देखिए जानते हैं ना, ऑर्थो मेटा और पैरा, ये क्या होता है, ये कॉमन नेम में यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए ये दे दिया गया है स्ट्रक्चर, देखिए दिया गया है सिंपली, देखिए फिनॉल का देखिए कॉमन नेम दिया गया और आईयूपीएसी, तो फिनॉल का दोनों का क्या है, सेम ही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको देखिए क्या करिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जितनी भी फिगर दी गई है, देखिए कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम जो होता है, ठीक है, ये किसका सेम है, केवल फिनॉल का सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ओ एच है तो ये कॉमन नेम हो गया सपोज कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी आईपैक नेम हो गया, तो इसका क्या रहेगा, फिनॉल ही रहेगा, ठीक है। कॉमन नेम और आईयूपीएसी क्या रहेगा, ये दोनों सेम ही रहेगा। अब देखिए अगर कह देते हैं सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, ठीक है, ऑर्थो मेटा और पैरा की पोजीशन तो जानते हैं आप लोग, ठीक है,
तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा OH ग्रुप पैड है, ठीक है, OH ग्रुप, या फिर यहीं पे हम क्या कर दे रहे हैं किसी चीज और को यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए मेथिल ग्रुप ऐड कर लिया, ये फिनॉल की पोजीशन में यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो इसका देखिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रिसॉल हो जाएगा, क्रिसॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रिसॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑर्थो पे है ना, ये ऑर्थो पोजिशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रिसॉल हो जाएगा। IUPAC नेम में क्या करेंगे, इसको हम ज्यादा प्रियोरिटी देंगे, तो ये वन हो जाएगा, ये टू नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो टू नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू मेथिल क्या हो जाएगा, ये फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, टू मेथिल फिनॉल, ठीक है। फिर देखिए अगला, मैं इसी की पोजीशन पे देखिए बदल रहा हूं, ठीक है, जो OH की पोजीशन है मैं इस पोजीशन को क्या कर दे रहा हूं, बदल दे रहा हूं। तो यहाँ पे CH3 है, अब इस पोजीशन को मैं मेटा पे ला रहा हूं, ठीक है, कहां पे, मेटा पे, तो क्या हो जाएगा, मेटा क्रिसॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटा क्रिसॉल ये हो जाएगा, ये OH है। अब इसी पोजीशन को जो OH की है यहां पे मैं पैरा पे लेकर के चला आ रहा हूं, यहां पे CH3, ठीक है, यहां पे आ गया OH, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा क्रिसॉल हो जाएगा। P मतलब क्या होता है, पैरा क्रिसॉल हो जाएगा, समझ में आया इतना। अब नंबरिंग करेंगे OH ग्रुप की, प्रायोरिटी हम ज्यादा देते हैं, 1, 2, 3 आएगा, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3-methyl, क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब इसमें देखिए नंबरिंग करिए, क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4-methyl, 4-methyl, 4-methyl फिनॉल, ठीक है, समझ गए। मतलब कि देखिए जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम में हम क्या करेंगे, ऑर्थो मेटा और पैरा का यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन नेम में क्या करते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा का यूज करते हैं, और आईपेक में क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव, सपोज ये 1-2 ऑर्थो है तो क्या होगा, वो 1-2 पे होगा, ठीक है, मेटा है तो 1-3 पे होगा, पैरा है तो 1-4 की पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर नोन एज 1-2, ये देखिए डाई लगा के बेंजीन, जैसे डाई ऑल लिखा जाता है ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डाई हाइड्रोक्सी मीन्स कह दिया जाए बेंजीन रिंग में दो OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो सपोज कर लिया मैंने ये ले लिया, ठीक है, देखिए सबका एक ही साथ पहले फिगर ड्रा कर दे रहे हैं, यहाँ पे OH ये ले लिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे मैं OH की पोजीशन को क्या कर दे रहा हूं, यहाँ पे इस पे कर दे रहा हूं, एक मेटा पे हो गया, देखिए ये तो ऑर्थो पे है, ये मेटा पे हो गया। तीसरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी इसकी, पैरा पे हो जाएगी, ये OH है, यहाँ पे भी OH है, मीन्स डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का। आप देखिए कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है, पहले देखिए क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डाई ऑल लिखेंगे, ठीक है, सपोज करिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। देखिए कॉमन नेम तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा कैच ऑल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा रिसॉर्सिनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रो क्यूनो, क्या, हाइड्रो क्यूनो क्यूनॉन, ठीक है, हाइड्रो क्यूनॉन, या फिर इसी के को कहते हैं क्यूनॉल, क्यूनॉल बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देखिए ये सही होगा, बुक में दिया गया है हाइड्रो क्यूनी QUINO, यानी हाँ सही है, स्पेलिंग सही है। अब देखिए इसको, देखिए कॉमन नेम तो याद करेंगे, ये देखिए कॉमन नेम है, बट इसका जो IUPAC नेम है, तो यहाँ पे देखिए 1-2 डेरिवेटिव है, देखिए 1-2, ये 3 डेरिवेटिव है, ये क्या हो जाएगा, 1-2-3 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका IUPAC नाम लिखिए, क्या हो जाएगा, पहले तो ये बेंजीन रिंग है, क्या हो जाएगा, बेंजीन, देखिए कितने नंबर पे OH है, हम हाइफन देंगे, 1-2 क्या हो जाएगा, डाई, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1-2 क्या लिखेंगे, डाई ऑल लिख देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन देखिए क्या 1 और 3 पे है, 1-3 डाई ऑल हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन 1-4 डाई
तो ये था इसका देखिए कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम था, ठीक है। तो ये समझ गए फिनॉल का। अब इसके बाद देखिए आता है ईथर का, ठीक है। अब अगर सपोज कह दिया जाए इसी में कहीं पे मेथिल ग्रुप ऐड हो, तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे मेथिल आपका ग्रुप ऐड है, CH3 भी ऐड कर लिया गया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2 नंबर पे देखिए मेथिल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2-methyl, ठीक है। क्या लिख देंगे, 2-methylbenzene 1,3-diol हो जाएगा। अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए नॉमनक्लेचर ऑफ ईथर। अब ईथर का सीखेंगे, ठीक है। देखिए ईथर का, ठीक है ना, देखिए क्या है, कॉमन नेम ऑफ ईथर आर ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ एल्किल एरिल ग्रुप रिटन एज सेपरेट वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर एट द एंड, और लास्ट में क्या कर देते हैं, एंड में ये ईथर वर्ड ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए दिया गया है, इस क्या है, एथिल मेथिल ईथर ये है, ठीक है। और भी देखिए दिया गया, पहले देखिए कॉमन नेम बता देंगे फिर आइपिक नेम बताएंगे, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है, इफ बोथ द एल्किल ग्रुप आर सेम द प्रीफिक्स डाई इज एडेड बिफोर द एल्किल ग्रुप। फॉर एग्जांपल C2H5 देखिए दोनों क्या है, एल्किल ग्रुप सेम है, तो इसके लिए प्रीफिक्स हम डाई यूज करेंगे, डाई एथिल ईथर। तो अब देखते हैं पहले कॉमन नेम देखेंगे, ठीक है, किसका, ईथर का कैसे लिखेंगे। देखिए सिंबल जनरल, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ROR, ठीक है, यही होता है, या फिर इसी की जगह पर ये फिर एरलॉक्सी ग्रुप भी आ सकता, ROAR, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करते हैं, कॉमन नेम मैं बता रहा हूं, ठीक है, कॉमन नेम देखिए कैसे इसका कॉमन नेम लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं एल्किल एल्किल ईथर, ठीक है, सेपरेट वर्ड रहेगा एल्किल 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 ईथर, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एल्किल एल्किल ईथर हो जाएगा कॉमन नेम में, ठीक है। और कैसे, देखिए नेम इसमें लिखता है, या फिर आप कह सकते हैं एल्किल एरिल ईथर, एल्किल एरिल ईथर। और देखिए कॉमन नेम में क्या रहेगा, अल्फाबेटिकल, किसमें देखिए लिखा है, यहां पे लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब देखिए इसका एग्जांपल सपोज कर लिए, हम ले लिए CH3O CH3। अब इसमें देखिए दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो प्रीफिक्स हम देखिए एल्किल से पहले क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, ठीक है। तो एक और यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जब देखिए दोनों ग्रुप क्या होते हैं, सेम रहते हैं, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, हम डाई लगाते हैं। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाई मेथिल ईथर क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। इसको देखिए पहला लेटर कैपिटल बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। अब देखिए अगर कह दिया जाए यही क्या है ग्रुप, ये सेम नहीं है, CH3O है, इधर C2H5 है, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या हो गया, ये मेथिल हो गया और ये एथिल हो गया। अब दोनों ग्रुप अलग अलग है, कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए ये क्या है, मेथिल है और ये क्या है, एथिल है। तो पहले कौन आएगा, पहले आपका ये आएगा, एथिल आएगा, ठीक है। नाम लिखेंगे, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एथिल, फिर क्या आएगा, मेथिल, एथिल मेथिल, ये क्या लिख देंगे, ईथर। सब देखिए वर्ड क्या रहेगा, सब वर्ड ये सेपरेट रहेगा, ठीक है, एथिल मेथिल ईथर। अब देखिए सपोज कर लीजिए यहां पे मैं एक एरिल ग्रुप भी ला दिया C6H5O CH3, तो ये हमारा एरिल ग्रुप हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए नेम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए ये क्या हो जाएगा, ये फेनिल हो जाएगा और ये मेथिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पी पहले आता है कि एम पहले आता है, देखिए एम पहले आता है ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। देखिए ये समझ गया ना, सेम ऐसे ही नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए समझ गए कॉमन नेम, देखिए समझ गए। अब चलिए देख लेते हैं आईयूपीएसी नेम, ठीक है, आईयूपीएसी नेम देखिए, फिर इसके बाद दोनों को एक ही साथ बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए समझ गए है ना, तो ये क्या था, ये देखिए दोनों ये ग्रुप क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे, डाई मेथिल ईथर लगा देंगे।
दूसरे में देखिए ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो ई पहले आता है और एम बाद में आएगा, तो एथिल हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, ईथर आ जाएगा सेपरेट वर्ड से। इसमें मैंने ये फेनिल ले लिया, फिर इधर ये आपका एल्किल हो गया, ठीक है, मतलब एरिल ग्रुप है ये, एल्किल ग्रुप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, एम पहले आएगा, मेथिल हो जाएगी, ये फेनिल हो जाएगी, ये ईथर हो जाएगा। तो ये सब कॉमन नेम थे। अब चलिए देखिए आईयूपीएसी नेम देखते हैं। देखिए आईयूपीएसी, देखिए अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ईथर आर रिगार्डेड एज ए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच ए हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन एल्कोक्सी आर एरलॉक्सी ग्रुप वेयर आर एंड ए आर रिप्रेजेंट एल्किल एंड एरिल ग्रुप, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द लार्गर आर इज चूजन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। देखिए कह रहा है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन को कौन से चूज करेंगे, जो सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन रहेगा, ठीक है। द नेम ऑफ ए फ्यू इथर आर गिवन इन टेबल, देखिए दिया गया है। अब इसको देखिए आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे नेम राइट करते हैं, ठीक है, कॉमन नेम तो समझ गए। आईयूपीएसी में देख लीजिए, आईयूपीएसी आईपेक सिस्टम में देखिए इसका नेम अब लिखते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन, मींस ये जो आपका आर ओ रहता है इसको कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, और ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है एल्कोक्सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, आर मींस एल्केन हो जाएगा। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे बता दूं आपका एल्कोक्सी मेथॉक्सी एथॉक्सी प्रोपॉक्सी, सपोज करिए ये देखिए CH3O है, तो इस ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए मैं बताया था कि स्टार्टिंग में अल्कोहल का जो हाइड्रोजन रहती है उसी को निकाल देते तो एल्कोक्सी ग्रुप हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा मेथॉक्सी हो जाएगा। अगर C2H5O है, देखिए ये हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा एथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है, एथॉक्सी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, एल्कोक्सी हो जाएगा या फिर एरलॉक्सी हो जाएगा फिनॉक्सी। अब देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है नाम, इसका नाम देखिए देखते हैं, अब देखिए दिया गया है पहला देख लेते हैं CH3O है, ये CH3 है, ठीक है, इसका देखिए नाम क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा मेथॉक्सी मेथेन, एल्कोक्सी एल्केन इसका नेम राइट करते, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। अगर दूसरा कह दिया जाए ये C2H5OCH3 है, तो अब इसमें देखेंगे हमारा ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन ये है और ये छोटा वाला ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेथॉक्सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मेथॉक्सी इथेन, ठीक है, ये समझ गए। अब देख लीजिए इसी में इन सब का देखिए नाम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, इसका क्या हो जाएगा एथॉक्सी, अब देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा आईयूपीएसी में, देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेथॉक्सी और ये क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मेथॉक्सी बेंजीन, MeThOxy बेंजीन, क्या हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा नाम, ठीक है। और भी देखिए बुक में दिया गया है, यहाँ पे जो बुक में टफ दिया गया है इसको देखिए मैं बता रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन है, हाँ देखिए एक क्वेश्चन ये है, क्या है CH3O है, इस साइड CH है, यहाँ पे CH3 है और इस साइड देखिए CH3 है, ठीक है। देखिए IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, यही देखिए क्वेश्चन में, हाँ यही उतारा हूं। अब देखिए इसका IUPAC सिस्टम ये हो, ये तो हमारा क्या हो गया मेथॉक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये वाला हमारा पेरेंट है, ये कार्बन हो गया मीन्स लॉन्ग कार्बन, तो ये 1, 2, 3 ये नंबरिंग कर देंगे इसका, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे देखिए क्या है मेथॉक्सी है, 2 मेथॉक्सी, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए अगला एक यहाँ पे भी दिया गया है, अगर कह दिया जाए C6H5, ठीक है, O है इस साइड कह रहा है CH2, यहाँ पे CH है, इस साइड देखिए CH3, इस साइड देखिए क्या है
CH3। अब देखिए इसका नाम कैसे राइट करेंगे, ठीक है। अब आपको बताना, ये छोटे वाले को हम एज ए ट्रीट करते हैं मेथॉक्सी, और जो बड़ा रहता है वो हाइड्रोकार्बन। इधर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, इधर 6 कार्बन, तो हमारे ये मेथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब देखिए इस ऑक्सीजन से जो जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 करेंगे, ठीक है। 3 नंबर पे देखिए क्या है, मेथिल है, तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूटॉक्सी, यही लिखेंगे ना, 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी। ये क्या है, C6H5 क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही क्या करना है, इसका IUPAC नाम राइट करना है, ठीक है, कॉमन नेम और IUPAC नाम ये देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया इंडेक्स क्वेश्चन, देखिए दिया गया, और एक्सरसाइज का देखिए क्वेश्चन दिया गया, इसको देखिए आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, नहीं आ गया तो इसको हम देखिए बता देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इतना ध्यान रखना है। इसको देखिए एल्कोक्सी एल्केन में IUPAC नाम लिखते हैं, ठीक है, थीके? और जो एल्कोक्सी रहता है ये छोटा वाला ग्रुप रहता है, एल्केन क्या रहता है, ये लॉन्गेस्ट, ये हाइड्रोकार्बन रहता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन से लगा हुआ पहला कार्बन रहता है उसको नंबरिंग हम 1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो छोटा हो जाएगा, लेकिन जिसमें क्या रहता है, ये बड़ा रहता है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन को हम नंबरिंग उसको 1 करते हैं, ठीक है, 1 2 करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको क्या करिए, कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू।